नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। कानपुर मुठभेड़ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड चेहरा बने विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस रात भर छापेमारी करती रही। 8 पुलिस कर्मियों की फायरिंग के बाद विकास दुबे छिपा हुआ बैठा है। आपको बता दें कि पुलिस विकास दुबे की कॉल की डिटेल निकालने के बाद उसमें कुछ पुलिस कर्मियों के नंबर भी मिले हैं, जो बहुत ही हैरानी वाली बात है। देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दिन पहले ही हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस की एक टीम की अपराधियों ने घेर कर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद पुलिस ने विकास दुबे को पकड़ने के लिए खोजबीन तेज कर दी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है कि आखिर कैसे विकास दुबे के घर पर दबिश देने गई टीम पर अपराधियों ने साजिश बनाकर हमला कर दिया। SIT ने विकास दुबे के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकलवाए हैं, जिसमें कई पुलिस वालों के नंबर निकले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पुलिस वालों में एक नाम चौबेपुर थाने के दरोगा का भी है, जिसने विकास को रेड की सूचना पहले ही दे दी थी। इस वक्त SIT को विकास दुबे के संपर्क में रहने वाले एक दरोगा, एक सिपाही और एक होमगार्ड पर शक है। तीनों से ही पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब तक 8 पुलिस कर्मियों के मारे जाने के मामले में 12 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। इन सभी को विकास दुबे के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स के आधार पर उठाया गया है। इन सभी लोगों की पिछले 24 घंटे में विकास से बात हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, HBR न्यूज।